गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद तेजस्वी। अभी मैं हूँ दमन में एंड ये एक यूनियन टेरिटरी है जो कि गुजरात स्टेट में है एंड इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। तो आज मैं इस प्लेस को पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ एंड आपको इस वीडियो में इसकी पूरी आइटिनरी देने वाली हूँ, लाइक यहाँ पर क्या क्या फूड ऑप्शंस है, देन अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, देन प्लेसेस टू विजिट इन दमन। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दमन पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वापी, तो आप वापी तक आके वहां से ऑटो रिक्शा और बस से दमन आ सकते हो एंड देन दमन से आप बाइक रेंट पे ले सकते हो। मोस्टली वो दमन बस स्टॉप से ही देते हैं। जहां से हमने बाइक लिया था उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप भी अगर लेना चाहते हो तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर काफी सारे स्टे के ऑप्शंस हैं, लाइक आप एयरबीएनबी, booking.com, अगोड़ा, ये कोई भी साइट से स्टे बुक कर सकते हो। हमें लास्ट मिनट में कुछ मिला नहीं इसलिए हमने वापी में ही स्टे बुक किया था। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपको दमन में कहीं पर स्टे नहीं मिलता है तो आप वापी में स्टे बुक कर सकते हो। अब फ्रेशन अप एंड ऑल होके बढ़ते हैं साइट सीइंग पॉइंट की तरफ। दमन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मोती दमन एंड दूसरा है नानी दमन एंड इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दमन गंगा रिवर ने एंड अभी मैं उसी पर खड़ी हूँ। ये ब्रिज का नाम है न्यू दमन गंगा रिवर एंड इसी के पीछे आप जो देख रहे हो वो वाला, उसका नाम है राजीव गांधी सेतु। पहले सिर्फ वही ब्रिज हुआ करता था, ये ब्रिज जो है वो न्यू बनाया गया है एंड ये सिर्फ फुट ओवर ब्रिज है, यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स एंड ऑल अलाउड नहीं। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे मोती दमन एंड वहां मोती दमन फोर्ट जाएंगे। ये है मोती दमन फोर्ट। इस फोर्ट में टोटल 2 गेट्स हैं एंड दोनों भी गेट से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, वो भी विथ योर व्हीकल। यहाँ पर ये है इसका मेन गेट एंड इसके आप बाहर देख सकते हैं छोटा सा गार्डन बनाया है एंड वहाँ पर इंडियन आर्मी की टैंक रखी है जिसका नाम है T-55 एंड ये जो टैंक है इसका यूज इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे किया गया था। तो टैंक देखने के बाद अब चलते फोर्ट के अंदर। गाइस प्लेसेस घूमने से पहले थोड़ी इस फोर्ट की हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। ये जो मोती दमन फोर्ट है इसे ही ओल्ड दमन कहा जाता है क्योंकि पोर्टुगीज डियागो डी मेलो जो थे वो जब बोट से यहाँ से जा रहे थे तब स्टॉर्म के कारण उनकी बोट जो है वो दमन बीच पर आई एंड वो तब से यहाँ पर थे एंड ये कुछ बात है 1523 की। उसके बाद उन्होंने मुगल से बचने के लिए ये मोती दमन फोर्ट जो है वो बिल्ड किया एंड ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है, अराउंड 30,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है ये फोर्ट एंड इसी के अंदर पोर्तुगीज कॉलोनी बसी थी। बट अभी आपको यहाँ पर स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स ये सब देखने मिलेंगे एंड उसी के साथ कुछ ओल्ड चर्च भी देखने मिलेंगे, तो चलो उसे देखते हैं। तो अभी सबसे पहले देखेंगे डोमिनिकन मॉनेस्ट्री। सो गाइज ये है डोमिनिकन मॉनेस्ट्री, ये मोती दमन फोर्ट के अंदर ही है एंड ये पोर्तुगीज लोगों ने बिल्ड किया था टू वर्शिप सेंट डोमिनिक एंड यहाँ पर पोर्तुगीज लोग आया करते थे फॉर प्रेयर्स। अभी ये पूरा का पूरा चर्च जो है वो रुइंस में चला गया है, ऐसा माना करते हैं कि ये अर्थक्वेक की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है एंड अभी यहाँ पर विजिटर्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, हमने भी बहुत ही अमेजिंग फोटोज क्लिक किए। अब यहाँ से चलते हैं ओल्ड चर्च देखने। इसका नाम है द चर्च ऑफ होली जीजस और बॉम जीजस चर्च। ये ओल्डेस्ट चर्च है दमन का, कुछ 450 इयर्स पुराना है ऐसा माना जाता है एंड इसके ये जो बड़े वुडन डोर्स एंड अंदर का इंटीरियर जो है वो रोमन स्टाइल है एंड काफी सुंदर है। अंदर यहाँ पर 6 सेंट्स है एंड ये चर्च डेडिकेटेड है टू बॉम जीजस। यहाँ पर अभी भी ये एक्टिव स्टेट में है एंड डेली बेसिस पर मास होता है।
अब बॉम जीजस चर्च देखने के बाद जाते हैं मोती दमन बीच पर। ये बीच मोती दमन फोर्ट से भी दिखाई देता है एंड काफी सुंदर बीच है ये। ऊपर से इसका व्यू और भी अमेजिंग दिखाई देता है। ये है मोती दमन बीच, बहुत ही अलग बीच है ये। ये दमन जेटी के एकदम पास ही में है एंड ये स्विम करने के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है एंड ऑल्सो उसी के साथ यहाँ पर कैमल राइड्स एंड ऑल भी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग इवनिंग के टाइम पर आते हैं टू वॉच सनसेट, बट हम डे वन का सनसेट नानी दमन जाके देखने वाले हैं। तो मोती दमन बीच देखने के बाद चलते हैं नानी दमन। गाइज ये है राजीव गांधी सेतु ब्रिज, ये भी एक ब्रिज है जो मोती दमन एंड नानी दमन को कनेक्ट करता है। इसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया, बट यहाँ से व्हीकल्स जो है वो जा सकते हैं। वो जो ब्रिज था वो सिर्फ फुट ओवर ब्रिज था। नानी दमन में सबसे पहले हम देखेंगे नानी दमन जेट्टी। यहाँ पर काफी सारे फिशरमैन्स की बोट लगी हुई होती है एंड इसी के साइड में आपको काफी सारे स्नैक्स के शॉप्स भी दिखाई देंगे, तो आप वहाँ पे रुक के स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। एंड इसी जेट्टी के साइड में है नानी दमन फोर्ट, तो चलो चलते हैं नानी दमन फोर्ट। सो गाइज ये है नानी दमन फोर्ट। इसके पहले जो हम मोती दमन फोर्ट गए थे वो ठीक मेरे पीछे ही है। यहाँ से आप मोती दमन फोर्ट, देन लाइट हाउस एंड मोती दमन जेट्टी ये सब देख सकते हो। ये फोर्ट भी पोर्टुगीज ने ही बिल्ड किया था इन 1613 में एंड इसे बिल्ड करते करते 50 ईयर्स लगे। वो कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन इन 1672 में। ये जो फोर्ट है नानी दमन फोर्ट, इसे सेंट जरोम फोर्ट ये नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पर उनका स्टैचू भी है एंड ऑल्सो इस पूरे फोर्ट में एक स्कूल एंड एक चर्च एंड एक ओल्ड ग्रेवयार्ड है। नानी दमन फोर्ट दैट इज सेंट जरोम फोर्ट, ये मोती दमन फोर्ट से छोटा है। ये कुछ अराउंड 12,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है एंड यहाँ पर इसके ये वॉल्स पर चलकर आप पूरा सेंट जरोम फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। अब सेंट जरोम फोर्ट से चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ये जो नेक्स्ट लोकेशन है वो बहुत ही कम लोगों को इस प्लेस के बारे में पता है एंड ये दमन की एक हिडन प्लेस है, तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको उस प्लेस पर पहुंचने के बाद ही बताती हूँ। गाइज मैं लेके आई हूँ आपको एक दमन के हिडन प्लेस पे, उसका नाम है क्वेरी लेक। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो क्वेरी लेक, बहुत ही ब्लू है इसका पानी एंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है इसका पानी। इसका पानी जो है वो ब्लू है जस्ट बिकॉज यहाँ पर पहले माइनिंग हुआ करती थी एंड माइन करते टाइम लाइमस्टोन की वजह से इसका पानी जो है वो ब्लू हुआ है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आके इस पानी में ना जाए, बिकॉज ये पानी जो है वो बहुत डीप है एंड ऑलरेडी यहाँ पर जो लोग आके स्विम वगैरह करके गए उनकी यहाँ पर डेथ हुई है, तो आप बिल्कुल भी ना जाए पानी में। एंड ऑल्सो ये पानी जो है वो स्किन के लिए हार्मफुल है। अब जब भी यहाँ पर आओगे तो आप फोटोज वगैरह खिंचा के लेना, बिकॉज ये प्लेस बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक है। अब जाते हैं डे वन का सनसेट देखने लास्ट स्पॉट पर, दैट इज देवका बीच। ये देवका बीच, ये रॉकी बीच है एंड ये नानी दमन का सबसे फेमस बीच है। अभी फिलहाल यहाँ पर काम चालू है, तो गाइज अगर आप देखोगे तो ये पूरा ब्लैक सैंड बीच है एंड ये स्विम करने के लिए नहीं बना है। यहाँ पर लो टाइड के कारण पानी काफी अंदर तक गया था, तो उसी वजह से सभी लोग यहाँ रॉक्स पर बैठ के सनसेट एंजॉय कर रहे थे। ये जो रॉक्स है वो जरा भी स्लिपरी नहीं है, तो आप यहाँ पे इजिली इस पे चल सकते हो एंड यहाँ पे बैठ के डे वन का सनसेट एंजॉय कर सकते हो। आफ्टर सनसेट हम बीच से बाहर आए एंड यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग की। ये बीच के आजू बाजू वाला एरिया है वो एग्जैक्टली सेम है लाइक गोवा, इसीलिए इसे मिनी गोवा कहा जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे शॉप्स एंड रिसॉर्ट्स दिखाई देंगे जो कि एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि हम गोवा में हैं। अब अगर आप और घूमना चाहते हो तो दमन में नाइट लाइफ भी काफी सुंदर है। हम लोग नाइट में मोती दमन फोर्ट गए लाइट हाउस देखने एंड वहां पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया था एंड आफ्टर दैट मोती दमन बीच टू जैम्पोरे बीच तक हमने राइड किया। एकदम स्मूथ रोड विद लॉट ऑफ लाइट्स एंड बाजू में ही सी, ऐसा लग रहा था कि ये दमन का मरीन ड्राइव है।
यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठने के लिए बनाया है, जस्ट लाइक मरीन ड्राइव। एंड इसी के साथ डे वन यहीं पर हम एंड करते हैं। अब डे टू में अर्ली मॉर्निंग बिफोर चेकआउट एक और प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे टू एंड डे टू में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के ये बीच पर आ सकते हो। इसका नाम है जैमपुरा बीच। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये बीच एंड यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आना लोग पसंद करते हैं बिकॉज मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत ही पीसफुल लगता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पाथवे बनाया है। देन यहाँ ये बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती है, देन स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स भी है जहाँ पर आप खा सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसके पहले जितने भी बीच एक्सप्लोर किए दमन के बाहर के, वहाँ पर हर जगह पर वाइट सैंड थी। दमन के बीचेस की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जो सैंड है वो ब्लैक कलर की है। सो गाइज, ये थी टू डेज एंड वन नाइट की दमन की आइटिनरी। मुझे तो दमन बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी ये प्लेस पर आइए, दमन टूरिज्म में काफ़ी डेवलप हो रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस है देखने जैसे। अब जब भी दमन आओगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको दमन की कौन सी प्लेस जो है वो अच्छी लगी। एंड अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।